रात भर ये पांच चीज़ें पानी में भिंगोकर खाने के ज़बरदस्त फायदे। मेथी, मेथी में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। यह हमारी आंतों की सफाई करने में मदद करती है। कब्ज की समस्या से परेशान लोगों के लिए मेथी काफ़ी अच्छा उपाय साबित होती है। रोज़ाना मेथी का सेवन करने से आपकी डाइजेस्टिक हेल्थ सही रहती है। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए मेथी किसी वरदान से कम नहीं होती। यह ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करती है। मेथी को रात भर पानी में भिंगोकर से पीरियड्स के दौरान होने वाला दर्द भी राहत मिलती है। पोपी सीड्स या खसखस, खसखस मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने और वजन कम करने में काफ़ी मदद करता है। रात भर भीगे हुए खसखस का सेवन करने से शरीर में फैट नहीं जम पाता। अलसी, अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जो लोग मछली का सेवन नहीं करते उनके लिए अलसी काफ़ी फायदेमंद साबित होती है। हाई कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित लोगों के लिए भीगी हुई अलसी काफ़ी अच्छी साबित होती है। यह शरीर में गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करती है। अलसी में डाइट्री फाइबर भी होता है जो हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी अच्छी साबित होती है। मुनक्का, मुनक्का में मैग्नीशियम, पोटेशियम और आयरन पाया जाता है। रोज़ाना भीगे हुए मुनक्का का सेवन करने से शरीर में बढ़ने वाले कैंसर सेल्स को रोका जा सकता है। भीगे हुए मुनक्का का सेवन करने से स्किन भी हेल्दी और स्पॉटलेस बनती है। अगर आप एनीमिया या किडनी स्टोन की समस्या का सामना कर रहे हैं तो भीगे हुए मुनक्का आपकी इस समस्या को दूर कर सकता है। हरी मूंग, भीगी हुई हरी मूंग प्रोटीन, फाइबर और विटामिन बी से भरपूर होती है। यह कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करती है। साथ ही पोटेशियम और मैग्नीशियम से भरपूर होने के कारण यह हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए फायदेमंद साबित होती है। मूंग में एंटी ऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक होती है जो डायबिटीज, कैंसर आदि पुरानी बीमारियों के जोखिम को कम करती है। मैं आशा करता हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और चैनल में नए हैं तो चैनल में जुड़ना न भूलें। टेक केयर गाइज़।